सत श्री अकाल जी, स्वागत है तुहाडा साडे यूट्यूब चैनल ते। अज एक नवी वीडियो दे नाल अज दी वीडियो जिहड़ी होण वाली है जी, उह है कार वाइपर्स दे उप्पर। आपां सारे जाणदे हां कि कुछ समय बाद कार वाइपर्स आ जिहड़े अपनी विंड स्क्रीन नूं साफ करना इतना वधिया ढंग नाल नहीं करदे जी, इस करके आपां नूं उहनां नूं जां तां वाइपर्स नूं चेंज करना पैंदा जां उहनां दी रबड़ चेंज करनी पैंदी है। रबड़ भी चेंज हो जांदी है जी, पर थोड़ा जिहा उहनूं लभना मुश्किल है, मिलनी मुश्किल है जी। इस करके मोस्टली ज़्यादातर अगर तुसी एजेंसी वगैरह तो भी जाके चेंज करवाने तो तुहाडे वाइपर ही चेंज करते हैं। तो मेरी भी कार दे जिहड़े वाइपर है जी, उन्होंने सफाई करनी घटाती सी। एक कनैक्टर साइड जो वाइपर सी उसका तो लगभग रबड़ खत्म हो गई सी, खराब हो गई सी। रबड़ मिल जाती है सर, पर बहुत ही मुश्किल नाल मिलती है, तो मिलनी इम्पोसीबल ही है लगभग। इस करके मैं भी लोकल मार्केट तो रबड़ वगैरह भी पहले ट्राई की, ऑनलाइन भी ट्राई की, तो ना मिलन कारण मैनू जोड़ा है वाइपर से नवे मंगवाने पे। ये वाइपर ने जी मैं ये फ्रेमलैस मंगवाए ने, अमेजोन तो मंगवाए ने जी, क्योंकि जो कंपनी वालों इंस्टॉल थोड़े गड्डिया के नाल जो वाइपर आते हैं जी, वो फ्रेम वाले होंगे ने, उन्होंने एक लोहे का फ्रेम बनया हों जी, उस जी रबड़ में इंस्टॉल किया गया जी हों। वाले वाइपर तुम देख रहे हो जी, फस्ट वाइपर ओपन हो गया जी। अज आप इन्हों की अनबॉक्सिंग के नाल नाल इंस्टॉलेशन भी देखेंगे जी। जेकर तुम साढ़े चैनल पर पहली बार हो तो साढ़े चैनल में सबसक्राइब लाइक जरूर कर लो जी, ताकि आने वाले समय से जो भी तुम्हें कोई वीडियो अपलोड साढ़े चैनल वालों की जाए थोड़े मोबाइल की स्क्रीन पर नोटिफिकेशन उसका मिल सके। ये अनबॉक्सिंग आप कर रहे हैं जी, एक वाइपर ओपन हो गया जी, दूसरा भी आप ओपन कर रहे हैं। ये वाइपर से जी अलग अलग कार के अलग अलग साइज के होंगे ने, जो मैं मंगवाया ये 21 इंच से 19 इंच के नहीं। जो भी तुम ऑनलाइन अगर परचेज करते हो तो उसे वाइपर जब तुम चेक करोगे जाके तो उन्होंने एक तुम मेजरमेंट करने लिए कार्ड जरा एक दिता हों छोटा जहा, उसके उपर जाके तुम चेक कर सकते हो कि थोड़ी किस कंपनी की कार है, तो कि मॉडल है। उस हिसाब न उन्होंने नंबर दिते होंगे ने, जिस तरह मेरे 19 इंच दिते हुए थे, मैं इस करके 21 मंगवाया जी। इन्हें माई टी वी एस ब्रांड दी और एरोडायनामिक ने जी, फ्रेमलैस है जी, ये ईजी टू इंस्टॉल है जी, बस एक लॉग तुम एंटर करना इंस्टॉल हो जाएंगे जी। तुसी देख सकते हो सारा कुछ इन्हों के उपर मैनशन किया हुआ जी, तो इन्हों इंस्टॉल भी करा, तो इन्हों का रिजल्ट भी देखा, उस तो बाद मैं रिव्यू भी देने की कोशिश करूँगा जी इन्हों की, ताकि पता चल सके कि इन्हों की वर्किंग किस तरह की है। रिव्यू जोड़ा है थोड़ा जहा बारिश के बच्चे ही देना वजिया रहेगा, अगर कोई बारिश होंगी है उस वक्त मैं इन्हों की रिकॉर्डिंग करके कोशिश करा इन्हों की रिव्यू देने की, ताकि पता चल सके ये इन्ह का रिजल्ट किदा का जी। 21 इंच से 19 इंच के तुम देख रहे हो जी वाइपर ने, सब कुछ इन्हों के उपर मैनशन किया हुआ है, इंस्टॉलेशन का भी इन्हों के उपर मैनशन किया हुआ है कि किस तरह इंस्टॉल करने हैं। आप इन्हों हौली हौली ओपन करके देखते हैं जी, जिमें जिमें यह निकलते हैं बहर। फस्ट आप ओपन करते हैं जी वाइपर, इस जरा है जी, ये वाइपर थोड़े तो सामने ओपन हो रहा जी। ये फ्रेमलैस होंगे ने जी, इस एक सिंपल रबड़ लगी होंगी है जी, ये बहुत ही सॉफ्ट होंगे ने, देखने दे इन की क्वालिटी मैं अच्छी लगी जी, बाकी वर्किंग तो देखा किस तरह की वर्किंग है जी। और इन्हों का लॉक सिस्टम दिता हुआ जी, पीछे रबड़ दिती हुई है जी, तो लोकल मार्केट से तो मिल जाएंगे जी, ये लगभग 500 रुपए के मिलते हैं जी, इतों मैं ये 550 के मिले ने। क्वालिटी मैं इन्हों की अच्छी लगी जी, आ इन्हों का लॉक दिता हुआ, इन्होंने देखते हैं किस तरह तो होगा जी। लॉक हो गए तो जोड़े वाइपर कार के पेल पुराने लगे हुए हैं जी, उन्होंने अनइंस्टॉल करके एक इन्हों की सेफ्टी जी है रबड़ दी होंगी है जी, इंस्टॉल करने पेल इन्हों रिमूव जरूर कर लेना जी, कि थोड़ी जी रबड़ है पूरी तरह थोड़ी विंड स्क्रीन के नाल हो सके, ये पूरी तरह थोड़ी जी हैगी सफाई विंड स्क्रीन की वाइपर कर सके।
मैं तुम दस रहा कि एक तो जो तुम पुराने अनइंस्टॉल करोगे जी तो हुक होंगी है जी एक बनी हुई तो पुराना तो रिमूव हो जाएगा तो यदा बस हुक इंस्टॉल करके ईजी टू इंस्टॉल है जी ये बहुत ही जल्दी इंस्टॉल हो जाते हैं किसी तरह के कोई मकैनिक सदन की जरूरत नहीं घर इंस्टॉल कर सकते हो जी। देखते हैं जी इन्हों का लॉक किस तरह खुलेगा तो क्वालिटी मैंने इन्हों की अच्छी लगी जी बाकी इन्ना टाइम यह कड़े ने घर के नाल इसका भी रिव्यू मैं दूंगा तुम्हें जी इस साल यह 2023 मैं ये मंगवाए ने देखते हैं किन्ने साल ये अपन वर्किंग देंगे ने कि कम इन्हों का चंगा माड़ा है उस बारे भी जरूर दसागे जी तुम ओपन करने की कोशिश करते हैं जी क्योंकि फस्ट टाइम है मैंने हाँ जी देखो इधरों लॉक ओपन हो गया जी एक साइड तो थोड़ी जी हुक है वाइपर की जो पुराने कार के नाल इंस्टॉल होए ने हुक इस फिट होके तो बस उपरों इस लॉक ने जोड़ा है बंद हो जाना जी तो इस तरह ही दूसरा वाइपर है जी वो भी सेम इस तरह का ही है जी तो आप इन्हों की करा इंस्टॉलेशन ही खुलते हैं इंस्टॉलेशन वाली तो जी हूँ आप आ गए जी कार के कोल तो आप इन्हों की करते हैं जी इंस्टॉलेशन आ मेरे पुराने जो कार के नाल ही आए ने ये फ्रेम वाले ने तुसी देख सकते हो जी इसके उपर एक लोहे का फ्रेम होंगे जी ये वाला फ्रेम के नीचे जी है रबड़ इंस्टॉल हो जाती है रबड़ भी अनलॉक हो जाती है जी निकल जाती है इस बट ये रबड़ का मिलना बहुत मुश्किल है जी क्योंकि रबड़ मिलनी काफ़ी इंपोसीबल है जी मैं भी ट्राई की पर मैं कितों नहीं मिली ऑनलाइन किसी ब्रांड तो मैं इनू ऑर्डर किया तो मेरी रबड़ में काफ़ी डिले करते रहे उसके बाद फिर मैं उसको कैंसल कर बड़ा ईजी है जी देखो इतने एक सेफ्टी लॉक दिता होंगे जी जो कंपनी इंस्टॉल थोड़े को फ्रेम वाले आते हैं पुश करने छोटा जहा निका जहा बटन दिता होंगे उसको पुश करके तुसी नीचे दी वल थले वाले पासे नूं प्रेस करना जी करके जिहड़ा कि वाइपर तुहाडा इह इस तों अनलॉक होके विचों निकल जाएगा जी नवा तुसी इंस्टॉल कर सकते हो जी बड़ा ईजी है मैं थोड़ी जी मुश्किल आ रही है क्योंकि एक हाथ ना मैं कैमरा होल्ड किया हो जी तो दूसरे हाथ नाल मैं इसको हौली हौली कोशिश कर रहा देखो जी वो थलों जोड़ा लॉक से बटन प्रेस किया तो इस तरह यह बाहर निकलिया जी इस तरह की थोड़ी हुक रह जाती है जी सिंगल तो इस उपर ही तुम इस नवे वाइपर इंस्टॉल कर सकते हो जी चलो करते हैं जी इंस्टॉल करने की कोशिश ये वाइपर है जोड़ा थोड़ा फ्रेम वाला वाइपर है जी जो अपन कंपनी वालों इंस्टॉल मिलता ज़्यादातर गड्डिया यही होंगे जी मैं लोकल मार्केट के भी ट्राई की इन्होंने मैं वर्किंग कुछ अच्छी नहीं लगी जी इस करके मैं इन्होंने इंस्टॉल करता जी तो हूँ मैं फ्रेम वाले फ्रेमलैस मंगवाए ने जी थोड़ी तो इन्हों अगे करते हैं जी इंस्टॉल तो देखते हैं जी इदा इन्हों का ये देखो जी मैं तुम्हें पहले भी दिखाया ये फ्रेम वाले वाइपर होंगे ने जी छोटा जहा फ्रेम बनया हों लोहे का होंगे ये सारा जी तो ये वाला जोड़ा जी ये फ्रेमलैस है जी कोई फ्रेम नहीं बनया हो सॉफ्ट जहा तो रबड़ लगी होंगी है नीचे जी तो भी काफ़ी सॉफ्ट हों जी तो ये लॉक है जी इन देखते हैं हूँ किस तरह आप इंस्टॉल कर सकते हैं क्योंकि मैं भी फस्ट टाइम कर लग्या जी तो ये थोड़ी जी हुक है ये फिट हो जाएगी यदा थोड़ा जहा ख्याल रखना जी अगर तुम अनइंस्टॉल करते हैं ये थोड़ा बाई चांस देखो थोड़ा हाथ ना बज जाए इस उपर अगर ये हाथ बज गया और बहुत ज़्यादा इस तरह जाके अगर ये जोर नाल तुहाडी विंड स्क्रीन तो वजदी है तो तुहाडी विंड स्क्रीन भी तोड़ सकती है जी बैक हो सकती है करके ख्याल रखना जी जो भी इन्हें इंस्टॉल करो बहुत ही ध्यान नाल करना है ये अपन कर दें जी इंस्टॉल तो देखते हैं इस तरह इसकी इंस्टॉलेशन होएगी तो एक थोड़ी जी मैं सॉरी तुम पहले कहा जी क्योंकि मैं एक हाथ नाल कैमरा होल्ड किया और एक हाथ नाल ही मैं इसको इंस्टॉल कर रहा जी देखते हैं इस तरफ तो जी है हुक इस एंटर होएगी जी हाँ नीचे दे भी एक थोड़ा जहा लॉक टाइप कुछ बनया होया जी तो देखते हैं कोशिश करके साइड तो जोड़ा है एंटर होएगा जी तो इस साइड तो देखो हाँ जी साइड तो यह एंटर हो गया जी एंटर हो के
जो नीचे थोड़ा जा डाउन हो रहा है लॉक टाइप का जी, ये जोड़ा है तो हुक का जोड़ा बनी हुई है वो इस कटो के उपर प्रेस करोगे तो ईजली हुक देखो ईजली इंस्टॉल हो गया जी। उपरों जो लॉक है थोड़ा टकती आवाज करके लॉक हो जाएगा। ये तो जो फस्ट वाइपर है जी वो अपना इंस्टॉल हो गया जी, करके इसको कर सकते हो। ये करते हैं दूसरा भी अनइंस्टॉल, उसमें भी इंस्टॉल करते हैं जी। ये वाला अपना दूसरा वाइपर आ गया जो ड्राइवर साइड है जी। ड्राइवर साइड वाइपर जोड़ा है थोड़ा साइज के व्डा होंगे जी, और जो पैसेंजर साइड वाइपर हों जी उसका साइज थोड़ा छोटा होंगे। तुम्हें पहले ही दसिया शुरू के तुम अपने कार के वाइपर साइज के हिसाब न ही तुम इन्हों मंगवा जी, ता कि व्डे छोटे ना आ सकन, प्रॉपर थोड़ी विंडस्क्रीन की जी है वो वाशिंग हो सके। देखो जी ये भी उदा ही है जी, छोटा जहाँ एक लॉक लगे हों नीचे प्रेस करके तो तुम नीचे की तरफ करोगे। देखो इस तरह यह पहला नीचे हट जाएगा वाइपर, और इस तो बाद जरा बड़ी आसानी के नाल करके कड़ सकते हैं जी। अपना वाइपर अनइंस्टॉल हो गया जी, करते हैं दूसरा भी 20 इंच वाला इंस्टॉल। पैसेंजर साइड का जोड़ा 19 इंच होया जी, इधर 21 इंच होएगा, इन्हें भी सेम उस तरह जी। जिस तरफ लॉक यह उपर हों उस तरफ तो ही इसमें बिच एंटर करना जी, एंटर करके जो नीचे एक छोटे जी लॉक टाइप बनया जी तुम देख सकते हो अगर कैमरे के ध्यान थोड़ा देखे तो इसमें इस एंटर करके उपर की तरफ इस तरह करके पुश कर देना जी। ये थोड़ा हुक लॉक हो जाएगी तो ये उपरों बंद कर देना जी, जोड़ा एक क्लिक की आवाज़ ना जोड़ा है थोड़ा बंद हो जाता जी। ये हो गए जी अपने इंस्टॉल्ड, ये देख सकते हो देखने से भी काफ़ी लुक इन दी अच्छी आ रही है जी, ये प्रीमियम लग रहे हैं। तो इन्हों इंस्टॉल करने तो बाद आप इन्हों की वर्किंग भी देखेंगे जी कि किस तरह वर्क करते हैं, क्योंकि फिलहाल कोई बारिश वगैरह का तो नहीं है। जो अपनी कार के एक चीज़ है तुम्हें मैं पहले दसी सी तो रबड़ होंगी है जी, रबड़ की सेफ्टी एक कवर चढ़िया होंगे जी प्लास्टिक का, उसनों तुम उतार देना जी इन्हों यूज़ करने तो पहला। अगर तुम बाय मिसटेक भुल गए तो प्रॉपर जी विंडस्क्रीन है वो पानी में वाश नहीं कर सकेंगे प्रॉपरली, इन्होंने जरूर तुम याद ना जोड़ा है रिमूव कर देना जी। रिमूव करने तो बाद आराम के नाल वाइपर अपनी विंडस्क्रीन के उपर जोड़ा है सही कर देना जी। उस तो बाद जोड़ा है इसमें कोशिश करते हैं हूँ रिजल्ट चेक करने जी, इंस्टॉल हो गए ने जी। गड्डी में अंदर आ गया जी, गड्डी को करते हैं स्टार्ट। ये जो विंडस्क्रीन साफ करने पानी गड्डी के इंक्लूड होंगे जी, उसके तो प्रेशर ना ही मैं इन कोशिश करता चेक करने की इन्हों का किस तरह की वर्किंग है। तो उस तो बाद अगर कित ज़्यादा बारिश हुई या कुछ होया तो मैं कोशिश करांगा जी कि उस दौरान भी इसकी वीडियो रिव्यू वीडियो बना के तुम्हें जरूर दिखाव, क्योंकि फाइनल तो यदा देखो जी मैं पानी का प्रेशर क्या जी बड़ी वधिया ढंग ये जड़े है जी सफाई कर रहे हैं जी। इधर तो पैसेंजर साइड थोड़े बहुत तुम पानी के डॉट्स दिखेंगे जी, क्योंकि वो पुराने पानी के डॉट्स लगे हुए ने, नव कोई भी जोड़ा है पानी का डॉट नहीं छड़ रहे जी, प्रॉपर सफाई कर रहे हैं जी। एक बार तो मैंने इनका रिजल्ट वधिया लग रहा जी, ज़्यादा बारिश के पता लगेगा जी कि किस तरह की वर्किंग है, क्योंकि असल वाइपर का तो उदो ही पता चलता जी जो पूरी तरह ना ये पूरी बारिश के जोड़ा है अपनी सफाई करनी। फिलहाल इन्हों का रिजल्ट मैं अच्छा लग रहा जी, पानी जोड़ा है चंकी तरह ये साफ कर रहे हैं, स्क्रीन के उपर बिल्कुल भी किसी भी तरह का कोई नहीं छड़ रहे। बाकी रिजल्ट तो ज़्यादा बारिश के पता लगेगा इन्हों का जी, कोशिश करनी है जी कि इस वीडियो वो तो शेयर करो जी। मैं कोशिश करूँगा इन्हों का फिर तो रिव्यू लैके आ जी, तो वीडियो देखने लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। वीडियो लाइक से सबसक्राइब जरूर करो जी।